देखकर आपको राज के डरावने जंगल तो याद नहीं आ रहे, घने सीधे साल के पेड़, बेहद खूबसूरत पत्तों से ढकी हुई सीधी लंबी सड़कें और धुंध में डूबा जंगल। ये जंगल नहीं, अपना ड्रीमलैंड है। चलिए आपको लेकर चलें दूधवा, दिल्ली से कुछ 400 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की नगरी में। हर ट्रिप की तरह दूधवा भी हम रात को ही पहुंचे, डीटीआर में चेक इन किया और अगले दिन की तैयारी में लग गए। मॉर्निंग सफारी कुछ 6 बजे शुरू हुई थी। पूरी सुबह जंगल के चक्कर काटे, पर टाइगर सेंचुरी के अगले टाइगर का कोई नामो निशान नहीं मिला। There has been constant calls from inside, continuously calls aa rahe hain. Another vehicle was standing there in the tumbas. When we stopped, they could also hear the calls, and the calls are constantly traveling towards this side. So probably we'll stay here for a while because the canopy is so pretty that if the tiger comes, then it's going to be one of a kind. Let's see what happens. फिर एक serpent eagle मिला, तो सोचा चलो इसी पर कैमरा की थोड़ी बैटरी खर्च लें। एक फोटो लिया ही था कि गाइड साहब को कहीं से खबर मिली कि जंगल की दूसरी साइड पर टाइगर दिखा है। एंड इट माइट क्रॉस द रोड एनी टाइम सून, सो मे बी फर्स्ट सफारी ऑफ किशनपुर इटसेल्फ, फर्स्ट सफारी ऑफ दूधवा इटसेल्फ, एंड वी एंड अप गेटिंग अनदर टाइगर, अनदर एडिशन टू अवर टाइगर सेंचुरी सीरीज। पक्का कुछ नहीं है यहाँ पे। हमने फुल एक्साइटमेंट में गाड़ी बढ़ाई और जहाँ गाड़ियाँ पार्क थी वहीं जाकर इंतजार में खड़े हो गए। टाइगर हैज क्रॉस्ड दैट साइड एंड द टाइगर माइट क्रॉस दिस। लेपर्ड है जी। खुश कर दिया ना दिल। लेपर्ड है, लेपर्ड। नो रिलेशन टू द टाइगर सेंचुरी। स्टिल अ कैट। लेपर्ड का एक ठीक सा फोटो लेकर फिर से हम अपने काम में जुट गए। दूधवा में टाइगर मोमेंट काफी कम था, पर ये बेचारी चीतल बिना मतलब डरी डरी घूम रही थी। अब अगर आप दूधवा आए तो यहाँ एक जोन है सतियाना, उसे देखना मत भूलिएगा। अगर कुछ ना भी दिखा तो भी जंगल की खूबसूरती देखकर ही मन खुश हो जाएगा। पर हम भी खाली सड़कें कितनी देखते, 3-4 सफारी बाद सोचा चलो कोई नई जगह देख लेते हैं। और यही सोचकर हम रात को निकले पीलीभीत के लिए। यहां हमने चेक इन किया सनराइज होमस्टे में और इसे देखकर ही दिल खुश हो गया। एक छोटा सा होमस्टे है पीलीभीत के गेट से कुछ 40 मिनट दूर। पीलीभीत में हम मिले जीशान से। ये यहाँ के जाने माने नेचुरलिस्ट हैं और इन्होंने हमें बताया कि पीलीभीत में टाइगर का मूवमेंट काफी अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी गाड़ी गई भी और काफी अच्छी साइटिंग, मतलब गाड़ियों का नहीं है ना दबाव, इसलिए बहुत अच्छी साइटिंग। अपना लक आजमाते हुए हमने भी ट्रैकिंग शुरू की और हमें भर भर के दिल खुश करने वाले कॉल्स और पग मार्क्स मिले। और फिर मिली एक कैंटीन जहाँ से इतनी ठंड में चाय पिए बिना जाना खुद पर जुल्म जैसा होता। कुछ देर और बिताने के बाद आई एक बेहतरीन शाम। घूमते घूमते हमें बंदर के कॉल सुनाई दिए और नीचे देखा तो टाइगर वहीं बैठा था, बेहद सुंदर और बहुत बड़ा मेल टाइगर, काफी शाय था। क्लटर की वजह से सिर्फ एक शॉट मिला जो किसी काम का नहीं था। उस वक्त गाड़ी हटानी पड़ी बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, टाइगर एकदम किनारे गायब हो गया, बिल्कुल पता नहीं चला, बट वो एकदम पत्तों के पीछे था और कब उठ करके आ गया, कब हमारी गाड़ी के मतलब कुछ थोड़ा दूर में आकर के वेट करने लगा। वी डिड नॉट इवन रियलाइज। अभी वापस हम गाड़ी पीछे ले रहे हैं बिकॉज टाइगर दिख नहीं रहा है, सो लेट्स सी किस तरफ हो गया। बट अभी बहुत बड़ा टाइगर है, बहुत सुंदर टाइगर है, थोड़ा सा लुक मिला है टाइगर का ब्लर, देखते हैं आगे क्या होता है, मिलता है या नहीं, बट आई एम सुपर एक्साइटेड एंड काइंड ऑफ हैप्पी।
अगले दिन हम फटाफट से तैयार होकर सीधे उसी टाइगर की तरफ निकले। मैं आधी नींद में कैमरा पकड़े बैठी थी और हमें फीमेल के फ्रेश पग मार्क्स मिले। अगले ही मोड़ पे मिली फ्रेश मार्किंग। यहाँ देखिए, देखकर समझ आ जाएगा कि अभी एक टाइगर पानी से उठकर आया है और इस पेड़ पर अपने होने का साफ स्पष्ट सबूत छोड़कर गया है। बस एक और मोड़ लिया कि सामने ही ये बेहद सुंदर मोहतरमा अपनी मॉर्निंग वॉक पर चली जा रही थी और फिर इन्होंने तरस भरी निगाहों से हमारी ओर देखा। फाइनली हमें मिला पीलीभीत से अपनी टाइगर सेंचुरी का अगला टाइगर। फाइनली दिस इज द हैप्पी फेस बिकॉज वी गॉट द टाइगर एंड दिस इज ऑफिशियली अनदर एडिशन टू द टाइगर सेंचुरी सीरीज। दे वर पग मार्क्स, देन दे वर वेट पग मार्क्स, देन द पीकॉक स्टार्टेड कॉलिंग बट वी वर कांस्टेंटली ड्राइविंग एंड द टाइगर वाज राइट ऑन द रोड मार्किंग। इट लुक्ड एट अस, गिव अस वन पिक्चर एंड नाउ वी आर गोइंग बिहाइंड इट। इनसे मिलने के बाद हम सीधा कल वाले मेल टाइगर के स्पॉट पर गए और देखा वो बेचारा बंदर अभी भी चिल्ला रहा है और उसी तरह वो शाम तक चिल्लाता रहा। किल पे लग रहा टाइगर स्मेल से तो। हम भी इंतजार करते रहे और अचानक जीशान को रोड पर कुछ दिखा। थोड़ी देर में बंदर बेचारा और तेज चिल्लाने लगा, फिर देखा टाइगर वहीं बैठा है और पेड़ के पीछे से हमारी ओर देख रहा है। बहुत इंतजार के बाद हमें इस बेहद शाय मेल टाइगर का सिर्फ एक फोटो मिला। So, एक बार फिर से टाइगर ने धोखा दिया, कॉर्नर पर बैठा था, हमने उसको मिस किया, थोड़ा गैप दिया और फिर से वो गायब हो गया। अब टाइगर फिर से कहीं नहीं दिख रहा, पूरा एरिया चेक कर लिया। टाइगर्स आर सुपर इंटरेस्टिंग एनिमल्स एंड द वे दे कैन हाइड, ऑफ कोर्स इफ दे डोंट वांट यू टू सी देम यू विल नॉट बी एबल टू सी देम नो मैटर व्हाट। बहुत इंतजार के बाद हमें इस बेहद शाय मेल का एक फोटो मिला और फाइनली हमें मिला टाइगर सेंचुरी का अगला टाइगर। अब इसकी खुशी आप मेरे चेहरे पर खुद ही देख लीजिए। सो वी आर लीविंग विद अनदर एडिशन टू द सीरीज। अनफॉर्चुनेटली टुडे वी हैव अ मेजर पॉसिटी ऑफ टाइम बिकॉज वी हैव टू रीच कॉर्बेट, वी हैव टू लीव दिस प्लेस टुडे इटसेल्फ इन द नेक्स्ट वन आवर। सो आई कांट रियली वेट फॉर द टाइगर बिकॉज अ सुपर शाय मेल, कल वाला मेल ही है एंड फ्रॉम द फोटोग्राफ्स यू कैन ईजिली रिकोगनाइज द टाइगर, द पैटर्न, द स्ट्राइप्स। दैट्स वाई एम एडिंग इट टू द टाइगर सेंचुरी सीरीज ऑफिशियली एंड आई नो इट, आई काइंड ऑफ कीप रिपीटिंग इट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स बट इट जस्ट मेक्स मी फील दैट वी आर स्टेप्स क्लोजर टू इट। सो आफ्टर टुडेज ट्रिप two more steps closer to it and a lot more to come. There's a cow right behind me if you can see there, and the somebody some bike guy just over speeding on the road, it hit the leg of the cow and the cow since yesterday is in so much pain, since yesterday it's just kind of sitting here from last evening, just not doing anything, couldn't move. We gave her some water and something to eat, but the unfortunate part is that there's no medication available as such. I see a lot of small cats like civet cats and jungle cats killed on the road because of over speeding. Roadkill is a very rampant problem. Humble request, even if you do it by mistake, then at least call somebody, call some help. ये हो गया है एंड मे बी इफ़ यू कैन जस्ट डू समथिंग अबाउट इट, जस्ट डोंट इंजर इट एंड गो अवे, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू।